थ्री स्टार्ट करता हूँ मैं। तो अब जो पार्ट मैं एग्जैक्टली स्टार्ट करने वाला हूँ वो है रीजनिंग का पार्ट। ठीक है, अब ये रीजनिंग का पार्ट इजी और टफ है वो एक्चुअली डिपेंड करेगा आपके कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, ये पार्ट समझ में आएगा तो ही तुम एब्स्ट्रैक्शन रीजन कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। बात समझा नहीं? ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, वो काफ़ी रहेंगे, हालांकि लगातार इतना टाइम मिल गया बोर्ड एग्जाम के लिए तो CBSE IAS दोनों ही रिवीजन करते ही रहेंगे लगातार। ठीक है, तो देखिए जरा सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, टफ नहीं है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, दो तो सिंपल है नहीं तो टफ टफ है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्या है सवाल? सवाल जो है पहला, अच्छा देखिए जरा, बोला है स्केच अ ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द पोटेंशियल एक्सिस। ठीक है, अब ये ग्राफ मैं एक बार यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं आगे बनाता रहूँ और आपको समझ में आता जाए। ठीक, ये ग्राफ यहाँ पे है और इस ग्राफ को मैं इस पार्ट को हटा दे रहा हूँ। अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये तुम्हारे पास वी नॉट, ठीक, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या, ये तुम्हारे पास जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, ये तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ISC बोर्ड वाले सभी बच्चे ध्यान से इन क्वेश्चनों को देख लें। ठीक है, जो CBSE के क्वेश्चन है इससे ऊपर आएंगे नहीं आपके में, और नीचे ही आएंगे, बट फिर भी आप इनको पढ़ें ताकि आपको कुछ सीखने को मौका मिले। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है भाई, ठीक है, ये तुम्हारे पास जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब मान लेते हैं कि आपको ग्राफ एग्ज़ाम में नहीं याद रहा। ठीक है, मान लेते हैं वो ग्राफ नहीं याद रहा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे भाई? तो ऐसा है कि सर KE Max, ठीक, KE Max प्लस तुम्हारे पास वर्क फंक्शन इज इक्वल टू होता है तुम्हारे पास HE। ये वो एनर्जी है, ठीक है, ये वो एनर्जी है जो कि इंसिडेंट रहती है किस पे, ऑन तुम्हारे पास जो है कैथोड पे। ठीक है, और ये तुम्हारे पास KE Max ऑफ, तुम्हारे पास कौन, KE Max ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। ये तुम्हारे पास जो है KE Max ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, इसे अपन लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, ये वर्क फंक्शन कहलाता है। मेरा ठीक, अब देखिए ज़रा, अगर ये तुम्हारे पास वर्क फंक्शन कहलाता है तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सर HE माइनस तुम्हारे पास फाई नॉट इज इक्वल्स टू KE तुम्हारे पास मैक्स इज इक्वल्स टू EV0। ठीक है, HE माइनस तुम्हारे पास HE0 इज इक्वल्स टू कितना, EV0। ठीक, तो इसने कहा कि HE new, ठीक है, HE0 अपॉन तुम्हारे पास E इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास जो है कितना, V0। ठीक, ये वैल्यू आ गई। मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम लिखेंगे V0 इज इक्वल्स टू HE new माइनस HE new0। ये मैं ऑलरेडी डिराइव करा चुका हूँ, ठीक है, मैं एक बार आपको और करा दे रहा हूँ ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन उधर रहा होगा तो आप उधर लिख लीजिएगा। ठीक, अब ऐसा है कि इसे मैंने बोला वाई इज इक्वल्स टू एम हमारे पास एक्स प्लस सी। ठीक है, सो वाई एक्सिस पे हो गया है V0, स्लोप के टर्म्स में हो गया है HE, और सी के टर्म्स में हो गया है माइनस HE हमारे पास E μ0, दैट इज माइनस ऑफ φ0 अपॉन कितना E। ये और ये क्या कहलाता, क्या है ये कहलाता है y इंटरसेप्ट, राइट, ये कहलाता है तुम्हारे पास y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो y इज टू एम्स प्लस सी है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक, यहाँ पे हमने इसको ऐसे प्लॉट कर दिया, ठीक, और इस प्लॉट में हम इसको तुम्हारे पास हटा दिए हैं यहाँ पे, ठीक, और हमने कह दिया कि इसकी वैल्यू μ0 है, राइट, और ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये वाई इंटरसेप्ट है, और इसकी वैल्यू है φ0 अपॉन तुम्हारे पास कितना, E। ठीक है, और ये जो स्लोप है तुम्हारे पास, ठीक, ये तुम्हारे पास कहलाता है क्या, ये कहलाता है तुम्हारे पास स्लोप। ठीक, तो ये तुम्हारे पास स्लोप है, तो ऐसा है कि हम इसको लिख देंगे क्या, थीटा।
ठीक है, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू तुम्हारे पास जो है स्लोप, ठीक है, टेन थीटा ही तुम्हारे पास क्या है, टेन थीटा ही तुम्हारे पास स्लोप है, और वैल्यू क्या होगी इसकी, इसकी वैल्यू होगी तुम्हारे पास एच अपॉन ई, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी एच अपॉन, ठीक है, दिस वुड बी दी वैल्यू, ठीक, ऐसे यहाँ पे हम लोग निकलते हैं। तो ये रहा इसका चक्रा बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द सॉलिड पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटोसिंथेटिक मटेरियल। What information can be achieved from the value of the intercept? So from the value of the intercept, what we can achieve the ratio of phi naught upon E. E is the nothing but 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. So अगर आपको y intercept की value हो तो हम लोग पर function को find out कर सकते हैं, ठीक है, ये theoretically मैंने आपको समझाया हुआ है, तो ये बात मुझे आपको दोबारा नहीं बतानी है actually. अब देखा जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल पूछा गया है कि a source of light of frequency greater than the threshold फ्रीक्वेंसी इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। एक कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, इसने कहा कि एक कोई सोर्स ऑफ लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द कैथोड। तो हमने कहा ठीक है भाई, कैथोड ऑफ अ फोटो सेल, फोटो सेल भी एक डिवाइस है, इसके बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये अभी आएगा आगे। तो इसने कहा कि लेट सपोज कोई सोर्स है और उस पर्टिकुलर सोर्स से तुम्हारे पास जो है प्लेट 1 मीटर की दूरी पे है, ओके, और फिर हमने कहा कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी वी इफ द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द कैथोड इज रिड्यूस्ड, ठीक है, तो इसने कहा कि अगर हम डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स को तुम्हारे पास रिड्यूस कर दें तो इनिशियल डिस्टेंस वॉज तुम्हारे पास एक्स, नाउ द डिस्टेंस इज तुम्हारे पास एक्स डैश, ठीक है, कम कर दें, एक्सप्लेन गिविंग रीजन वॉट चेंज विल यू ऑब्जर्व इन द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। इन्होंने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक करेंट पर तुम्हारे पास क्या होगा, इसने कहा कि एज डिस्टेंस इज डिक्रीज्ड, इसने कहा कि एज डिस्टेंस इज डिक्रीज्ड, अब डिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो एक्स डैश तुम्हारे पास एक्स से कम हो जाएगा, एज डिस्टेंस इज डिक्रीज्ड, जब डिस्टेंस तुम्हारे पास कम हो जाएगी तो जो एक्स डैश की वैल्यू होगी वो तुम्हारे पास एक्स से क्या हो जाएगी, वो तो तुम्हारे पास कम हो जाएगी, हमने कहा। तो इसने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, इसने क्या बोला कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है, इसने कहा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा जो कि सर्किट में फ्लो कर रहा होगा वो इंक्रीज करेगा। अच्छा क्यों, क्योंकि जब आप सोर्स एस की जगह डैश को नज़दीक ले आओगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, और आपको ये बात पता है कि जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी तुम्हारे पास क्या होता है, बढ़ता है, जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी तुम्हारे पास बढ़ता है। हमने कहा ठीक सर, पहली बात तो ये आ गई समझ में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। नाउ व्हाट अबाउट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन्होंने कहा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये कहना है कि आई एम नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, मैं तुम्हारे पास इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये कहता है कि हम तुम्हारे पास सेम रहेंगे क्योंकि हम इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी हैं, ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी आपको याद है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ने साफ साफ प्रूव कर दिया था कि हम जो है इंटेंसिटी के फंक्शन नहीं, अगर हम जो है इंटेंसिटी के फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब ई वी नॉट भी तुम्हारे पास इंटेंसिटी का फंक्शन नहीं रहेगा, है नहीं, ई वी नॉट भी इंटेंसिटी फंक्शन नहीं रहेगा, इसका मतलब वी नॉट भी तुम्हारे पास इंटेंसिटी का फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इसने कहा कि अगर एस से एस डैश पे आ जाओगे, सोर्स एस से एस डैश पे आ जाएगा, दूरी घट जाएगी प्लेट और एस के बीच में, तो इसने कहा कि अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो वी नॉट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो इसने कहा वी नॉट तुम्हारे पास रिमेन सेम, वी नॉट जो है वो तुम्हारे पास सेम रहने वाला है। तो ये दोनों आंसर इसके इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल हमसे यहाँ पे कहता है सर, अगला सवाल ये कहता है कि व्हेन अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज इरेडिएटेड विद अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स वी मैक्स, ठीक है, ये द स्क्वायर ऑफ द वी मैक्स, दैट इज वी मैक्स स्क्वायर इज ऑब्जर्व टू वेरी न्यू विद वेरी न्यू एज पर द ग्राफ एज शोन द फिगर 10.19। ये पर्टिकुलर ग्राफ दे रखा है, राइट, ये पर्टिकुलर ग्राफ हमको दे रखा है, ठीक है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का एक्सप्रेशन चाहिए है, वर्क फंक्शन चाहिए है तुम्हारे पास गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल का इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर एल एन एंड एम ऑफ द तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये तुम्हारे पास पूरा का पूरा चाहिए। हमने कहा ठीक है, पूरा का पूरा चाहिए, मिल जाएगा पूरा का पूरा। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हमको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि ये तुम्हारे पास एन लिखा हुआ है, ये तुम्हारे पास एल लिखा हुआ है, ठीक है,
और इसने कहा है कि हमको प्लैंक्स कांस्टेंट का एक्सप्रेशन चाहिए, हमको वर्क फंक्शन का एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ एल एन एंड एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इन टर्म्स में हमको चाहिए। हमने कहा ठीक है फिर क्या करना है। अब इसने कहा कि ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है ये ग्राफ हमने अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है, हमने एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पढ़ा था, पोटेंशियल ग्राफ पढ़ा था, पर हमने अभी तक ये पर्टिकुलर ग्राफ तो पढ़ा ही नहीं था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है तुम्हारे पास एच न्यू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट, दैट इज एच न्यू माइनस तुम्हारे पास कितना पाई नॉट, यही तो होता है ना, ये पर्टिकुलर ग्राफ होता है। हमने कहा हाँ ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, हाफ एम तुम्हारे पास जो है वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट, ठीक है। और चूँकि फ्रीक्वेंसी वगैरह में हमको दिखानी है तो हमने क्या करा, हमने लिखा वी मैक्स का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास एच न्यू अपॉन तुम्हारे पास एम बाय टू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन तुम्हारे पास कितना एम बाय टू, ये वैल्यू हो गई। तो ये हो गया है तुम्हारे पास वी मैक्स का स्क्वायर टू एच तुम्हारे पास एम न्यू, ठीक है, टू एच अपॉन तुम्हारे पास एम और ये न्यू नॉट, ये वैल्यू तुम्हारे पास जो है यहाँ पे आ जाती है। हमने कहा ठीक है। अगर हम इसको हम देख पा रहे हैं जैसा कि ये वाई एक्सिस में बैठा हुआ है, तो मैंने इसे लिखा वाई इज इक्वल टू तुम्हारे पास एम एक्स प्लस तुम्हारे पास सी, ठीक है, स्लोप के नाम पे, स्लोप के नाम पे एम इज इक्वल टू टू एच अपॉन तुम्हारे पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ द तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो मास ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास है एम ई एम ई एम ई तुम्हारे पास एम ई तुम्हारे पास एम ई, ठीक है, है ना, और एम ई हटा देते हैं, काम करते हैं क्योंकि एम उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है, हम इसको काम करते हैं, इसको एम डैश लिख देते हैं फॉर द टाइमिंग, राइट। तो स्लोप एम डैश इक्वल्स टू टू एच अपॉन एम हो गया है, ठीक है। एंड सी इंटरसेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसकी वैल्यू है टू एच न्यू नॉट अपॉन तुम्हारे पास एम, ये वैल्यू आई है। तो ये आया है स्लोप और ये आया है तुम्हारे पास वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो एम डैश है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, उसे हम लोग कह दे रहे हैं तुम्हारे पास वह स्लोप, ठीक है, ये तुम्हारे पास थीटा होगा, ये तुम्हारे पास थीटा होगा, है ना, ये थीटा है, ये तुम्हारे पास थीटा। हमने कहा कि ऐसा है कि ये टेन थीटा की वैल्यू है भाई, ये जो टेन थीटा की वैल्यू है टू एच अपॉन तुम्हारे पास एम। तो इन्होंने कहा कि अगर हम ट्राइंगल ए, ठीक है, बी सी कंसिडर करें, ठीक है, और ये तुम्हारे पास 90 डिग्री है, हम क्या लिख पाएंगे, हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन तुम्हारे पास कितना बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू l, बेस की वैल्यू कितनी n, तो tan थीटा की वैल्यू l अपॉन n, तो हमने क्या लिखा l अपॉन तुम्हारे पास n, हमने कहा ठीक है। यहाँ से h की वैल्यू कितने लिख पाए m l अपॉन तुम्हारे पास 2n, ये आ गया एक्सप्रेशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, है ना, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का एक्सप्रेशन ऐसे आ गया, ठीक है। और क्या पूछा है तुमसे, तुमसे पूछा वर्क फंक्शन का बताना भाई, हमने कहा वर्क फंक्शन को बताया तेरे ऐसे की बात है, ठीक है। तो हमने कहा कि सी की वैल्यू माइनस आई है, माइनस का मतलब है कि इसकी वैल्यू आई है, तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है टू एच न्यू नॉट अपॉन तुम्हारे पास एम इज इक्वल्स टू वापस एल, है ना, वाई इंटरसेप्ट की ये माइनस साइन तो सिर्फ दिखा रहा है नीचे की तरफ ना, वैसे तो उसकी वैल्यू है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा लिखा हुआ है टू फाई नॉट अपॉन तुम्हारे पास एम तुम्हारे पास एल, इसने कहा ठीक है। तो फाइव नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई एम एल अपॉन तुम्हारे पास टू, ये आ गई तुम्हारे पास किसी वैल्यू, ये आ गई तुम्हारे पास फाइव नॉट की वैल्यू, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको निकालते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा सवाल है, ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको बताए हैं, हम आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में आपको बताए हैं, पर मैक्सिमम वेलोसिटी के स्क्वायर के फॉर्म में कोई ग्राफ नहीं बताए हैं, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा इसमें, ठीक है। आईएससी सीबीएसई दोनों ही इसको ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल यहाँ पे कहता है ये, ठीक, क्या है ये देखते हैं। स्केच इज अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर टू फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स ए एंड बी हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो मैंने अभी आपको सिखाया था, मैं बस उठाकर एज पर द क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, एज पर द क्वेश्चन को मैं बना दे रहा हूँ, ठीक। देखिए जरा क्या बोल रहा है, इन्होंने कहा शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो भैया ऐसा है कि ये तुम्हारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी है, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर टू फोटो सेंसिटिव मटेरियल ए एंड बी हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू डैश एंड न्यू नॉट रेस्पेक्टिवली ए और बी की। हमने कहा ठीक भाई कोई दिक्कत नहीं, तो हमें क्या दिक्कत है, हमने उठा करके यहाँ बना दी, ठीक। फिर इसने क्या बोला, इसने कहा कि एक ये, ठीक, और एक तुम्हारे पास जो है ये वाला, ठीक है, एक तुम्हारे पास ये वाला, एक ये और एक तुम्हारे पास ये वाला, ठीक। यहाँ पे हमने कहा तो ये तुम्हारे पास हमने यहाँ बना दी,
अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि ये भाई तुम्हारे पास यहाँ पे और ये भाई तुम्हारे पास जो है यहाँ पे इधर की तरफ आ गए। ठीक, इसने कहा कि एक काम करते हैं, ये तुम्हारे पास जो है न्यू नॉट डैश है, ठीक है, न्यू नॉट डैश ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने कहा ये न्यू नॉट डैश है और ये तुम्हारे पास न्यू नॉट है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, राइट। फिर इसने कहा कि विच ऑफ द टू मेटल्स ए और बी हैज हायर वर्क फंक्शन, जैसा कि हमको पता है कि ये जो वाई इंटरसेप्ट होता है ये फाई नॉट अपॉन ई की वैल्यू देता है नहीं, फाई नॉट अपॉन तुम्हारे पास ई की वैल्यू देता है। इसने कहा कि ये फाई नॉट बी अपॉन तुम्हारे पास ई हो गया, ठीक है, और इसने कहा कि ये क्या हो गया, ये हो गया है तुम्हारे पास जो है फाई नॉट तुम्हारे पास ए अपॉन तुम्हारे पास ई की वैल्यू। हमने कहा हाँ, फाई नॉट ए अपॉन ई की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसने ये कहा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फाई नॉट ए की वैल्यू होती है एच तुम्हारे पास न्यू नॉट तुम्हारे पास ए, एंड फाई नॉट तुम्हारे पास जो है बी की वैल्यू होती है एच न्यू नॉट तुम्हारे पास बी। इसको हमने क्या लिख दिया, इसको हमने लिख दिया एच न्यू नॉट डैश, इसको हमने क्या लिख दिया एच तुम्हारे पास न्यू नॉट। हमने कहा ठीक है, इसने कहा कि न्यू नॉट डैश ग्रेटर देन न्यू नॉट है, तो एच न्यू नॉट डैश ग्रेटर देन एच न्यू नॉट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फाई जो वर्क फंक्शन है ए के लिए वो तुम्हारे पास वर्क फंक्शन जो है तुम्हारे पास बी से के लिए ज़्यादा है। ये तो मैथमेटिकली दिखाया मैंने, ये उनके लिए दिखाया जिनको हर चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है, कैसे हुआ क्या हुआ हमको बताओ मैथमेटिकली। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो हमको साफ पता लग रहा था जिसका वाई इंटरसेप्ट ज़्यादा उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे ये कर सकते थे। इसका नाम मेटल ए का वर्क फंक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, वॉट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ, अरे हमको पता है कि जो वी नॉट और क्या नाम है न्यू का जो होता है उसमें स्लोप में क्या मिलता है हमें, ये कह रहा है कि स्लोप ऑफ ग्राफ में हमको क्या मिलता है, स्लोप ऑफ ग्राफ में हमको मिलता है तुम्हारे पास क्या एच अपॉन ई की वैल्यू। ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ में हमको एच अपॉन ई की वैल्यू मिलती है, तो व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ, दैट इज एच अपॉन ई की वैल्यू। एक्चुअल में हमको प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिलती है, ई की वैल्यू तो हमें पता ही होता है, तो हमें प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। ठीक, अब इसने कहा व्हाट वैल्यू डज द व्हाट डज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट ऑन ग्राफ ए पोटेंशियल एक्सिस रिप्रेजेंट। ठीक है, तो इसने थर्ड पार्ट में पूछा है कि वाई इंटरसेप्ट में क्या मिलता है। इसने इसने कहा कि वाई इंटरसेप्ट में हमको यहाँ पे मिला है क्या फाई नॉट तुम्हारे पास ए अपॉन ई की वैल्यू। फाई नॉट ए अपॉन ए की वैल्यू तुम्हें मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में फाई नॉट अपॉन ए की वैल्यू मिलेगी, तो आपको ई की वैल्यू पता होगी और आप वर्क फंक्शन की वैल्यू को तुम्हारे पास निकाल सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से इसका आंसर प्रेजेंट किया जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, कहाँ है सवाल, ये नहीं अगला सवाल कहता है कि फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू नॉट विद द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर द टू फोटोसिंथेटिक मटेरियल्स पी एंड क्यू, एक्सप्लेन विच मेटल हैज द स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यहाँ पे क्वेश्चन गलती क्या होती है कि इतना एक्चुअल में पढ़ चुके होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये बेसिक चीज भूल जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है न्यू नॉट पी और ये क्या है तुम्हारे पास न्यू नॉट क्यू। साफ साफ देखने से पता लग रहा है कि न्यू नॉट क्यू जो है वो तुम्हारे पास न्यू नॉट पी से ज़्यादा है, पर ये क्या चीज़ है, ये है तुम्हारे पास जो है थ्रेशोल्ड, क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं है, सवाल में इसने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में पूछा। ठीक है, ये ध्यान देना आपको, हमें पता है कि जो सी इक्वल्स टू होता है वो होता है न्यू तुम्हारे पास लैम्डा। ठीक है, तो सी अपॉन तुम्हारे पास न्यू इज इक्वल्स टू कितना लैम्डा, हमने कहा सी अपॉन न्यू नॉट क्यू इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास जो है लैम्डा नॉट तुम्हारे पास क्यू, एंड सी अपॉन न्यू नॉट पी इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट पी। हमने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास क्यू वाले मटेरियल की ज़्यादा है पी वाले मटेरियल से, तो सिंपल सी बात है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्यू वाले मटेरियल का छोटा होगा पी वाले से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू का जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो तुम्हारे पास पी के थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या होगा, वो तुम्हारे पास कम होगा। ठीक है, तो कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान दीजिएगा, मतलब जल्दबाजी में क्या होता है कि आप थ्रेशोल्ड वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होता है और आप तड़ से आंसर दे देते हो कि भाई थ्रेशोल्ड, उसने पूछा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में, आप दोगे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बारे में, आप बोल दोगे मेटल पी, जबकि आंसर क्या है, आंसर है तुम्हारे पास मेटल क्यू, उसने स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेव में पूछा तो क्यू का तुम्हारे पास है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, और
इसमें दो पार्ट शायद और पूछे गए हैं, दो पार्ट इसमें है कि नहीं चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे इसमें डाले हैं क्या? नहीं डाले नहीं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो दूसरे में क्या है, इन्होंने कहा है, एक जो पार्ट पूछा है इन्होंने पूछा है कि विच मेटल एमिट्स, इसने पूछा है कि विच मेटल एमिट्स विच मेटल एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग, ठीक है, स्मॉलर काइंड की रहती है, स्मॉलर के ई, ठीक है, बींग सेम वेवलेंथ फॉर इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन, ये सवाल इसने सेकेंड पार्ट के तौर पे पूछा है। ठीक है, यहाँ पे और जो है थर्ड पार्ट पूछा है, इफ डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स, इसने पूछा है इफ डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स, ठीक, एंड मेटल पी इज डबल्ड, एंड मेटल पी इज डबल्ड, इफ डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड मेटल पी इज डबल्ड, हाउ विल द स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज, हाउ विल स्टॉपिंग, ठीक, पोटेंशियल चेंज, ये क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूँ, अभी मैंने आपको ऊपर कराया था। ठीक है, देखिए जरा क्या बोल रहा है, इसने कहा विद मेटल एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी बींग सेम वेवलेंथ फॉर दिस, ठीक है, अब हमको पता है यार एच न्यू, ठीक है, एच न्यू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या, काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या, काइनेटिक एनर्जी। इसने कहा विच मेटल एमिट्स सेम फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी बींग दिस, तो हमने कहा एच सी बाय लेमडा इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास एच न्यू नॉट माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक, और तुम्हारे पास जो है व्हाट, और तुम्हारे पास पी, ठीक है, और तुम्हारे पास पी, और तुम्हारे पास पी, एंड एच सी फॉर तुम्हारे पास लेमडा क्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट तुम्हारे पास क्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास जो है क्यू, ठीक है, ये यहाँ पे इसने पूछा है। तो हमने कहा कि ऐसा है कि अगर हम देखें तो के ई काइनेटिक एनर्जी बारे में पूछा था, ठीक है, हैविंग स्मॉल काइनेटिक एनर्जी, तो हम ऐसे लिख सकते थे यहाँ पे कि एच तुम्हारे पास कितना, एच सी माइनस 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 है, ये भी तुम्हारे पास माइनस है, एंड ये इक्वल टू है और ये इक्वल टू है, राइट, तो ठीक है डायरेक्टली लिखा ही हुआ, बार बार नहीं लिखना है। तो इसने ये कहा कि ये तुम्हारे पास एच सी बाय लेमडा पी माइनस एच न्यू नॉट पी इसको सुदेश, ठीक है, और इसने कहा कि इसकी वैल्यू भी लेमडा है और इसकी वैल्यू भी लेमडा है, इंसिडेंट रेडिएशन दोनों का है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फैक्टर पूरा का पूरा क्या हुआ, कॉन्स्टेंट हो गया, ये वाला फैक्टर पूरा का पूरा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। हमने कहा ये तो कॉन्स्टेंट है, एक तरीके से ऐसे समझा करो, जिन लोगों को क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है ऐसे समझा करो, जैसे इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू लिख दी 100, ठीक है, माइनस एच न्यू नॉट पी इज इक्वल्स टू के ई पी, ठीक है, देखो जिनको समझ में आ जाता है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको नहीं समझ आता है उनको समझा रहा हूँ मैं, तो 100 माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट तुम्हारे पास क्यू इज इक्वल्स टू के ई तुम्हारे पास क्यू। इसने पूछा बताओ स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, है ना, स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी जिसमें उसकी होगी जिसकी वैल्यू इन दोनों में कम आएगी, और सिंपल सी बात है ये तो 100 है, इसका मतलब ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है ना, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है। अब इसने कहा अब इसको देखते हैं ये किसका ज़्यादा है, ठीक है, ये किसका ज़्यादा है, ये तुम्हारे पास ज़्यादा है किसका, ये क्यू का। अब इसने कहा कि न्यू नॉट क्यू जो है वो तुम्हारे पास न्यू नॉट पी से ज़्यादा है, इसका मतलब एच न्यू नॉट क्यू जो है वो तुम्हारे पास एच न्यू नॉट पी से ज़्यादा है, ये क्वान्टिटी अगर ज़्यादा है, ये क्वान्टिटी अगर ज़्यादा है इसका मतलब है कि 100 में से माइनस करेंगे, ठीक है, 100 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये जो भी क्वांटिटी है कि देर सपोज इसकी वैल्यू नंबर 50 है और इसकी वैल्यू नंबर 40 है, किसी को जिसको दिक्कत होती है ऐसे समझ लिया करो, ठीक है, इसको क्या लिखा 100 माइनस तुम्हारे पास कितना 40, ये वैल्यू कितनी है 60, इसे क्या लिखा, इसे लिखा 100 माइनस तुम्हारे पास 50 और ये वैल्यू कितनी है 50, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्यू की जो है ना, काइनेटिक एनर्जी जो क्यू की है वो तुम्हारे पास कम काइनेटिक एनर्जी है और पी की तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, तो मेटल क्यू के पास स्मॉलर वैल्यू ऑफ तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, बात समझ आती है, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभार आपको नहीं समझ आता है कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, तो वैल्यूज ले लिया करो, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस वुड बी